पदस्थ सहायक ग्रेड दो क्लर्क की रिश्वत लेने के वीडियो के साथ ही शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की। क्लर्क जोगेश्वर प्रसाद के खिलाफ भैया नाथ निवासी आशीष सिंह ने रिश्वत लिए जाने के वीडियो के साथ कलेक्टर को शिकायत की। शिकायत में बताया गया कि क्लर्क सभी निजी स्कूलों से आरटीआई की राशि आवंटन के नाम पर 10 से 30% की रिश्वत मांगता है। शासकीय कार्य में लापरवाही अनुशासनहीनता का आरोपी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई। वहीं आरटीई की राशि आवंटन पर फिलहाल रोक लगाते हुए वीडियो की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करके निकालना पड़ता है। आप लोगों को तो निजी का शक रहता है, अब यहाँ संज्ञान में आ जाया है और हम उस घटना का विवेचना भी करेंगे, सीबी को भी जांच के लिए भेजेंगे और साथ ही उसको अभी तत्काल प्रभाव से हम निलंबित कर रहे हैं। जोगेश्वर जी के द्वारा इसकी निजी स्कूल में क्या पैसा आहरण किया गया है, इस संदर्भ में जानकारी मेरे को प्राप्त हुई तो मेरे द्वारा संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर साहब से इसकी शिकायत की गई। इसके ये बताइए कितने पैसे की मांग की? इन्होंने 30 से 40% पैसा लगभग हर स्कूल से वसूली के नाम से शिकायत प्राप्त हो रही थी। अभी जो वीडियो है उसमें कितना पैसा लेते हुए दिख रहे हैं? उसमें लगभग 30,000 रुपए के आसपास में लेन देन का उल्लेख हुआ है। डबरा में सिंधी नदी पर चल रहे अमृत